जीरो। हाँ जी, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर? हाँ बोलो। हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7, 9, 8? व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 10? हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 10? सर इसका फर्स्ट वाला हो गया था, सेकेंड वाला नहीं हुआ। फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड वाला भी जाना चाहिए था। हाँ भाई, सिक्स डिजिट नंबर्स चाहिए, नौ डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। 0, 1, 3, 5, 7, 9 हमारे पास है। आप प्लीज जरा ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे कि ये हमारे पास सिक्स डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास यूजिंग है 0, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा आपको सिक्स डिजिट रखने हैं? सिक्स ही डिजिट आपके पास हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या? सर विदाउट रिपीटेशन, विदाउट विदाउट रिपीटेशन है? रिपीटेशन। यस, ये तो एक हाँ कंडीशन है। कोई और भी कंडीशन है क्या? सर, जीरो को फर्स्ट प्लेस में रह सकते हैं। बहुत अच्छे, यस यही सबसे ज्यादा ध्यान रखना था कि जीरो को नहीं रख सकते। अगर जीरो को नहीं रख सकते तो उसी कंडीशन को फुलफिल करो। तो इसका मतलब इस वाले के लिए कितने ऑप्शन? फाइव। फाइव फाइव आप बताओ मुझे, अब किसी को भी रख लो तो नेक्स्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन? फाइव अब फाइव, वेरी गुड। मान लो हमने फाइव नाइन को यूज कर लिया था तो फिर 5, 4, 3, 2, 1, थ्री बस टू वन ये टू आंसर वन है। बस तो 5 2 जा 10 600। और 600, वेरी गुड। तो ये हमारे पास हो गया 600, सही बात है जी, डन, ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब जरा मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर हमसे कह रहा है डिविजिबल बाई 10, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अभी भी नहीं है ना इसमें भी, ठीक सर है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है बट डिविजिबल बाई 10 चाहिए, आप पहले तो मुझे बताओ कौन से नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं? हाँ भाई, कौन से नंबर 10 से डिविजिबल होंगे? सारे सारे ऐसे कैसे जाएगा? फाइव जिसके लास्ट में जीरो रहता है। यूनिटली जीरो। हाँ जी, जिसके लास्ट में जीरो रहता है, यानी कि अब कंडीशन उल्टी आ गई कि मुझे लास्ट में जीरो चाहिए। तो लास्ट में जीरो मेरे पास एक ही है, तो इसके लिए कितने ऑप्शन? एक ही। वन हाँ भाई, यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जीरो होना चाहिए। अब सोचो कि भाई मेरे पास एक कंडीशन और थी कि स्टार्टिंग जीरो से नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जीरो यूज हो गया? यस सर। अब जीरो की कंडीशन भी नहीं रही, अब कोई कहीं भी चला जाए तो फिर वही कहानी है। इसके लिए वन है, जीरो यूज हो गया। 5, 4, 3, 2, 1 ये आंसर। कितने हो गए जी? कुछ समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, अभी फाइव फर्स्ट प्लेस पर नहीं जा सकते। हाँ, वो तो मर्जी, हमने आपसे क्या कहा, कहीं रख दो उस खेल में, आप किसी से भी ठीक। स्टार्ट, आप बीच वाले से स्टार्ट कर लो कि जिसके लिए 5, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 2, इसके लिए 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। क्लियर है बेटे? तो आपको सिर्फ कंडीशन पे चेक करना है। चलो जी, अब आज छोटा सा टॉपिक करना था, उसको देख लीजिए आप सब बच्चे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई थी अच्छे से? यस सर। जी सर। बस एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लीजिए, इंशाल्लाह आज के लिए काफी रहेगा। हमारे पास क्या है सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास है फैक्टोरियल, एक टर्म आया नया। अभी तक आपने मॉडुलस, स्क्वायर, क्यूब ये सीखा था, अब हमारे पास एक टर्म है फैक्टोरियल, ठीक है। हम उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, मतलब अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से समझ लीजिए बस इतना सा ही समझाना है, ज्यादा कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखिए कि आप थर्ड एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज पे बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला रह रहा है, अदरवाइज एक तरह से परमुटेशन के क्वेश्चन आप काउंटिंग मेथड से कर सकते हैं। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज के भी फर्स्ट 5 तो आपके हुए हुए हैं। कुछ चीजें रह रही हैं, एक तो यही चीज वाली सिट टुगेदर वाली कहानी भी माइनस करते थे, एक चीज और रह रही है वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपसे कह रहा है 5 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल, इसका मतलब क्या है प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इसका मतलब है फर्स्ट 5 1 × 2 × 3 × 4 × 5 जो भी वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे कहूँ 10 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं आपसे कहूँ 100 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 100। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो भी आपके पास फैक्टोरियल है वो उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, तो उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट तो हम 1 से लेके ना करके अब हम इसको ऐसे लिखा करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका क्या फायदा है, क्या कोई मुझे बताएगा 5 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा है 5 × 4 × 3 × 2 × 1? यस और नो? Yes, लेकिन yes, कोई yes. लेकिन लेकिन मुझे कोई बताएगा 4 × 3 × 2 × 1 क्या होगा? 24। अरे 4 फैक्टोरियल होगा, नहीं होगा? यस सर। और अगर मैं 3 2 1 लेने लगूं तो ये क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। और अगर 2 1 लेने लगूं तो क्या होगा? फैक्टोरियल। तो बस यही एक चीज सीखनी थी और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं करना था। मतलब हम 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं और 4 फैक्टोरियल को हम 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यानी कि एक को बाहर करते रहेंगे दूसरे को माइनस करते रहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटे, 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 × 9 फैक्टोरियल भी होता है। ठीक है, अब आपके पास बुक में छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 7 × 4 की वैल्यू बताओ, तो सर सीधा सीधा सा है 7 × 6 × 5 × 4 × 4। यस और नो? यस सर। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? इतना सही कराना है बस, 4 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल तो कितना हो गया भाई, 6 × 5 = 30 × 2 = 10। ठीक है जी, ये बस अगर हमारे पास, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर ऐसे आ रहा है 7 × −4 तो ये 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, इसको पहले सिंपलीफाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 × 6 × 5 = 4 × 3 = 2 = 1। 4 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऐसे, फिर जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे। समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है n फैक्टोरियल को हम n × n−1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर n को बाहर लेंगे तो उससे एक कम रह जाएगा, और अगर आपको n−1 की भी जरूरत पड़ जाए तो फिर उससे एक और कम रह जाएगा। इसको बहुत जगह यूज करेंगे इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट वाले में तो बहुत ज्यादा। सर, ये जो फैक्टोरियल लगा है लास्ट फैक्टर पे लगा है ना? लास्ट वाले पे लगेगा बेटे, बाकी तो बाहर हो गए। ये इसका मतलब ही यही है कि ये फैक्टर जो लगा हुआ है, जो मैंने अभी आपसे कहा था, ये इस तरह से समझिए ऐसे, आगे समझ में? तो ये सिर्फ n−2 पे है, क्लियर है जी? तो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज है बस छोटा सा, देखो जरा ध्यान से, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये फैक्टोरियल ही समझ लीजिएगा और फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। जैसा ये हमारे पास है इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करना है सर, 8 फैक्टोरियल अगर दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा मल्टीप्लाई ही करेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो भी आ जाए।
ठीक है। अगर 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 लाइक दिस। तो ये हम कर सकते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन कुल दिए हुए हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो अच्छा सा है, देख लीजिए उसको। ये हमारे पास है, ठीक है भाई। पहली चीज तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है क्या ये इक्वल है, यस और नो, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। वैसे ही सोच लो 3 प्लस 4 7 नहीं होता फैक्टोरियल में, ठीक है जी, ये इक्वल नहीं है, फैक्टोरियल को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हाँ ये दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसमें छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, तो 8 को सॉल्व करेंगे 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial, 2 को भी सॉल्व कर लेंगे 2 into 1, तो 6 से 6, 2 से कितना 7 4 जा 28, ठीक है। अब ये देखो बस एक क्वेश्चन यही है इसमें थोड़ा सा, अगर आपके लिए एग्जाम में आया या कुछ पूछे तो 1 upon 6 plus 1 upon 7 is equals to x upon 8 factorial, ये हमारे पास है। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए आप, इसमें सबसे छोटा 6 है तो सबको 6 तक ही ब्रेक करेंगे, 6 फैक्टोरियल, इसको भी 6 तक ही करेंगे और इसको भी 6 तक ही करेंगे, तो क्या 6 कॉमन ले सकते हैं? यस सर, यस सर, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 और यहाँ रह जाएगा x अपॉन 56 इंटू 6, तो 6 से क्या आएगा आपके पास 7 बन जा 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 8 बाय 7 इट्स अ 64 आंसर, यस। तो ये 7 से 8 टाइम कट जाएगा तो 8 8 जा 64, ये हमारे पास। बस एक क्वेश्चन और देखो और यही हमारा फार्मूला है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए और यही आपको सिखाना था। अल्लाह हू अकबर, देखो जी बेटा ये हमारे पास है n factorial upon n minus r factorial when n is equals to 6 r is equals to 2, तो कुछ करना नहीं है। अगर मैं n को 6 ले रहा हूँ और r को मैं 2 ले रहा हूँ तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो जाएगा 6 factorial upon 6 minus 2 factorial, तो 30 आंसर आएगा। तो 6 factorial upon 4 factorial, 6 को ब्रेक करो 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial, 4 से 4 तो 6 5 जा, सही है क्या ये? यस सर। अब जरा प्लीज ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या है ये है, सब बच्चे ध्यान से देखो, एन पी आर, ठीक है, परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n distinct objects, यहाँ distinct की बात हो रही है यानी कि सेम नहीं होनी चाहिए, repetition नहीं होना चाहिए तभी ये formula apply होगा, is equals to npr और npr होता है n factorial upon n minus r factorial, सीधा ये answer है बस, npr is equals to n factorial upon n minus r factorial। वो जो words लिखा था उसका मतलब समझ में नहीं आया, ये तो वही तो है ना, परमुटेशन अगर आपको निकालना है, परमुटेशन अगर आपको निकालना है आर चीजों का, आर का, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आर आउट ऑफ एन, आउट ऑफ एन, यस, मतलब अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 3 पर्सन on 5 chairs on 5 3 person on 5 chairs, ये कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 chair पे 3 चीजों को arrange करना, 5p3 arrangement of 3 out of 5, समझ में आ गया? Yes sir, बस इतना सा है। तो इसका आंसर सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा बेटे, n factorial upon n minus r factorial,
तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? सर 5 × 4 × 3 2 से 2 कट जाएगा। यस सर। अच्छा अब आप सोचना, पहले ही अगर हमारे पास 3 पर्सन थे, 5 चेयर थी, तो पहले वाले के लिए कितना ऑप्शन थे? 5 चेयर। दूसरे के लिए कितने ऑप्शन थे? 4। तीसरे के लिए कितने थे? 3। तो यही आंसर है या नहीं है? यस सर। तो बस यही समझना था। तो ये हम यूज करेंगे। रिपीटेशन का क्या कहता है? रिपीटेशन नहीं होती। रिपीटेशन में यूज नहीं करेंगे बेटा इसको। ओके सर। रिपीटेशन में कैसे यूज करेंगे बताऊंगा। मतलब ये फॉर्मूला जो है ये विदाउट रिपीटेशन के लिए है, लेकिन रिपीटेशन के लिए भी करेंगे, बट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। सर आ गया समझ में? यस सर। तो मेहरबानी करके, मेहरबानी करके इतना ही करते रहिए जितना पढ़ा रहा हूँ, बस इसे